कर्नाटक के मुख्यमंत्री सिद्धारमैया को MUDA लैंड स्कैम में हाई कोर्ट से बड़ा झटका लगा है। मुख्यमंत्री सिद्धारमैया के खिलाफ जमीन घोटाले से जुड़े मामले में केस चलेगा। कर्नाटक हाई कोर्ट के जस्टिस M नाग प्रसन्ना ने मंगलवार को कहा कि याचिका में जिन बातों का जिक्र है उसकी जांच जरूरी है और केस में मुख्यमंत्री का परिवार भी शामिल है, इसलिए याचिका खारिज की जाती है। राज्यपाल थावरचंद गहलोत ने 16 अगस्त को भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम 1988 की धारा 17A और भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 की धारा 2018 के तहत सिद्धारमैया के खिलाफ केस चलाने की अनुमति दी थी, जिसको सीएम ने 19 अगस्त को हाईकोर्ट में चुनौती दी थी। बता दें कि उच्च न्यायालय ने सीएम की अर्जी को खारिज कर दिया है और गवर्नर से दी गई मंजूरी को भी जारी रखा। मैसूरू शहरी विकास प्राधिकरण के प्लॉट्स के आवंटन के घोटाले में मुख्यमंत्री सिद्धारमैया, उनकी पत्नी साले और कुछ अधिकारियों के खिलाफ भी शिकायत की गई है।